नमस्कार। आपका पहला कदम एक कोशिश में मैं ममता थपलियाल आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं हर बार आपके लिए एक नया विषय और एक रोचक जानकारी लेकर आती हूँ। मेरा प्रयास यही रहता है कि प्रत्येक बच्चे को हिंदी सीखने में किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव ना हो। इसके लिए मैं उनके लिए आसान से आसान तरीका लेकर आती हूँ हिंदी भाषा को जानने का। प्रत्येक बच्चे का सीखने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ बच्चे देखकर सीखते हैं तो कुछ बच्चे लिखकर सीखते हैं और वहीं कुछ बच्चे करके सीखते हैं, यानी कि तीन प्रकार से हम ज्ञान का अर्जन करते हैं। लेकिन सही ज्ञान का अर्जन सिर्फ करके सीखने में आता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। जी हाँ, जब हम किसी काम को कर सीखते हैं, अच्छे से समझ कर सीखते हैं, वही ज्ञान हमें आगे तक याद रहता है। तो आइए ज्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको 2, 3 और 4 अक्षरों वाले शब्दों के विषय में बताया था। आज मैं आपको आ और छोटी ई के विषय में बताऊंगी कि हम इनका प्रयोग व्यंजनों के साथ किस प्रकार करते हैं और किस प्रकार हम शब्दों का निर्माण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत मात्रा ज्ञान के भाग 2 में आज मैं आपको आ और ई की मात्रा का परिचय दूंगी। आ की मात्रा। आ, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आ हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि अ सभी व्यंजनों में मिला रहता है, लेकिन जो आ है उसमें 2 अ मिले हुए हैं, अर्थात अ जमा अ मिलकर बनता है आ। इसकी ध्वनि थोड़ी लंबी होती है आ, और इसका चिन्ह होता है एक खड़ी रेखा, और ये कही जाती है आ की मात्रा, यानी के आ का आ जहाँ स्वर नजर नहीं आ रहा है वहाँ पर इसका चिन्ह आता है। जी हाँ, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर व्यंजन दिया हुआ है क। क को जब हमने का बनाना है, क्या बनाना है? जी हाँ, का बनाना है, तो हम क्या करेंगे? क में आ की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो हम आ की मात्रा को, आ के चिन्ह को जब हम क के साथ में जोड़ देते हैं तो बन जाता है का। क्या बन जाता है? का। पहले क्या था? क, और जब क के साथ में हमने आ की ध्वनि को मिला दिया, आ के चिन्ह को मिला दिया, तो वो क्या बन गया? का। जी हाँ, का। व्यंजन माला के साथ आ की मात्रा का प्रयोग करके हम जानेंगे कि वे किस प्रकार उनका उच्चारण होता है। ट जमा आ बना टा, व जमा आ मिलकर बना वा, छ जमा आ मिलकर बना छा, प जमा आ मिलकर बना पा, ह जमा आ मिलकर बना हा, ग जमा आ मिलकर बना गा। तो आइए इनसे शब्द भी देख लेते हैं। जी हाँ, यह क्या रंग है? काला। काला, क आ ल आ, तो यानी के आ की ध्वनि हमें क में भी सुनाई दे रही है और ल में भी सुनाई दे रही है, तो ये क्या बना शब्द? काला। तो क के साथ हमने आ की मात्रा लगाई और ल के साथ भी हमने आ की मात्रा को लगाया, तो ये क्या बन गया? काला। क जमा आ की मात्रा जमा ल जमा आ की मात्रा, जब हमने चारों ध्वनियों को जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हुआ? काला। अगला चित्र है गाजर का। क्या है ये? गाजर। गा जर, तो किसमें हमें आ की ध्वनि सुनाई दे रही है? जी हाँ, ग में, तो ग के पीछे हमने क्या लगाई? आ की मात्रा। आइए देखते हैं किस प्रकार इसका निर्माण हुआ है। ग जमा आ की मात्रा ज जमा र मिलकर बना गाजर। अगला चित्र है काजल का।
काजल। जब हम बोलकर देखते हैं शब्द को तो का, का में हमें आ सुनाई दे रहा है और जल में हमें कुछ कोई अन्य स्वर नहीं सुनाई दे रहा है सिवाय अ के। तो कैसे लिखेंगे उसे? का ज ल, काजल। का जमा आ की मात्रा जमा ज जमा ल मिलकर बना काजल। अगला चित्र है ताला। जी हाँ, ताला, ताला। तो हमें आ की ध्वनि किसके साथ सुनाई दे रही है, किस किस व्यंजन के साथ सुनाई दे रही है? जी हाँ, त के साथ भी सुनाई दे रही है और ल के साथ भी सुनाई दे रही है। तो इस प्रकार शब्द क्या बनेगा? ताला। और इसमें कितनी ध्वनियां मिली हुई है? त जमा आ जमा ल जमा आ मिलकर बना ताला। जी हाँ, ये किसका चित्र है? राजा। किसका चित्र है? राजा। तो राजा में कितनी ध्वनियां मिली हुई है आइए देखते हैं। रा जा, तो र में आ की ध्वनि मिली हुई है और ज में भी किसकी ध्वनि मिली हुई है? आ की। बिल्कुल सही। तो क्या बना? राजा। आइए इसमें देख लेते हैं कितनी ध्वनियां हैं। र जमा आ की मात्रा जमा ज जमा आ की मात्रा मिलकर बना राजा। क्या बना? राजा। अगला चित्र है घड़ी। जी हाँ, यह घड़ी का चित्र है जो हमें समय बताती है कि काल बारे में बताती है। तो आइए देखें काल को कैसे लिखेंगे। क आ की मात्रा ल, क को हमने का बनाया, का ल काल। आइए देखें इसमें कितनी ध्वनियां हैं। क जमा आ की मात्रा जमा ल मिलकर बना काल। आ का स्वतंत्र रूप। आ का स्वतंत्र रूप से यहाँ पर तात्पर्य है कि जब आ किसी व्यंजन के साथ मिला हुआ नहीं आता है तब वह अपने मुख्य रूप यानी कि स्वतंत्र रूप में हमें समझ सुनाई देता है और दिखाई देता है। आइए देखें आज, आज। आप, आप। आज्ञा, आज्ञा। आई, आई। आठ, आठ। आसन, आसन। आईना, आईना। आपका, आपका। आजाद, आजाद। इन सभी शब्दों में आ का स्वतंत्र रूप है। आ जहाँ पर सुनाई दिया है वहाँ पर वह व्यंजन के साथ नहीं है, और यदि वह व्यंजन के साथ सुनाई देता है तब हम क्या करते हैं? जी हाँ, तब हम उसका मात्रिक रूप का प्रयोग करते हैं। मात्रिक रूप अर्थात उसकी मात्रा, उसका चिन्ह। और उसका चिन्ह क्या है? एक खड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा, या आप कह सकते हैं खड़ी लाइन। जी हाँ, यह है आ का मात्रिक रूप, एक खड़ी लाइन। प आ का मात्रिक रूप बना पा, पान, पान। अब हम जितने भी व्यंजनों को पढ़ेंगे अगर हमें पता है कि उसमें आ की रेखा लगी हुई है, आ की लाइन लगी हुई है, तो हम उसे उसके साथ में ही पढ़ेंगे। प आन, पान। म आन, मान। क आन, कान। ह आर, हार। त आर, तार। त आल, ताल। ज आ ल आ, जाला। म आ ल आ, माला। र आ ज आ, राजा। ब आ हर, बाहर। अब हम
आ की मात्रा को व्यंजन के साथ में जोड़कर पढ़ेंगे। बा हर हर बाहर, फा तक फाटक, दावत दावत, बहार बहार, फटाक फटाक, दवात दवात, बाजार बाजार, बाजरा बाजरा, लड़का लड़का। तो जहां भी आपको ये आ की मात्रा दिखाई देती है वहां पर आप आ की मात्रा को उस व्यंजन के साथ में जोड़कर पढ़ेंगे। आओ पढ़ें इन शब्दों को मिलाकर बनाए गए वाक्यों को। राम आया, राम आया, आम लाया। आप जो ये खड़ी रेखा देख रहे हैं इसे कहते हैं पूर्ण विराम। क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। जब हम हमारे द्वारा बोली गई कोई बात के कहने के बाद जब हम रुकते हैं किसी वाक्य के बाद तो हम ये पूर्ण विराम लगाते हैं। इसका अर्थ होता है कि हमारी बात यहाँ पर समाप्त हो गई है, उसके बाद हम अगली बात कहेंगे। राम आया, आम लाया, सात गाजर लाया, बड़ा मजा आया, आ कमला हाथ साफ कर, बाजार जाकर बादाम ला, बादाम खा कर बाहर चल, शमा गाजर खा, रमा पाठशाला चल। यहाँ पर हमारी आ की मात्रा समाप्त होती है। इस प्रकार हम अपनी पाठन शैली को और बढ़ा सकते हैं। जिस प्रकार हमने शब्दों को पढ़ना सीख लिया तो जब हम उन्हें वाक्यों में पढ़ेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। तो आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। अगली आने वाली कक्षा में मैं आपके लिए छोटी ई के विषय में बताऊंगी कि हम इनका प्रयोग व्यंजनों के साथ किस प्रकार करते हैं और किस प्रकार हम शब्दों का निर्माण करते हैं, ताकि आप आगे आने वाली वीडियो में मात्राओं का ज्ञान ले सकें और बच्चों को आसानी से मात्राएं पढ़ा सकें। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी ही कर लीजिए और कमेंट्स भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। बाय बाय। धन्यवाद धन्यवाद।